ये पांच ये भी किसी डिपार्टमेंट से लिंक थे। अगर मैं इनसे पूछूं ये रिटायरमेंट बाद क्या करें, खुद मुझे बोलेंगे सर मैं मक्की में चार बेड़े रखी है। इसका मतलब ये चार सभी डिपार्टमेंट्स के लोग जो है इकट्ठे होके जाएं और एक फार्मर का डाटाबेस बनाया जाए, फार्मर का एक सारा जो डाटा वो कैप्चर किया जाए कि ये फार्मर कहाँ का है, इसके पास कितनी जमीन है, ये अपनी जमीन में कौन सी फसल उगा रहा है, ये किस फसल में माहिर है, क्या इसमें घर में गाय रखी है, भैंसे रखी हुई है, क्या इसके घर में कोई सब्जी आप वोमिट नहीं पता कर सकते। मेरे पास पांच थनु सेब के प्लांट भी है, मेरे पास घास की जमीन भी है। तो ये सारा हम इनका डाटा कैप्चर कर लिया, उसके बाद हम इनसे पूछेंगे आप क्या चीज इसमें अगर कोई फार्मर हमारा दरिया के पास है उसको मछली का पॉइंट बना के दे देगी गवर्नमेंट सब्सिडी में, ठीक है ना, क्योंकि आराम से पानी वहां पे आ सकता है। घर घर जाके ये स्कीम्स के बारे में बताया जाए तो आज आप क्या कहेंगे, आज जो लास्ट में सर हम ये हमारा जो ये फॉरेस्ट्री डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम चल रहा है ये अजोट में चल रहा है 24 से लेके 26 अप्रैल तक तीन दिन का ये प्रोग्राम था। इसमें जो अलाइड एग्रीकल्चर और अलाइड डिपार्टमेंट है उन सभी को लगाया गया है यहाँ पे। उनके हमने इसकी टोटल ये 46 वीडियोज़ बनाई हैं, हर एक कंपोनेंट्स के वाइज है ये फार्मर्स को दिखा रहे हैं ताकि फार्मर अपनी स्कीम्स के बारे में अवेयर रहे कि और उनको पूरी स्कीम के बारे में जानकारी मिले, और इसके भी जो हमारे जो जितने डिपार्टमेंट हैं वो अपनी अपनी स्कीम्स के बारे में सब लोगों को दिखा रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनको भी हमारा ये है कि वो आएँ और वो भी अपनी कुछ सीखें इससे। जो हमारे सरपंच हैं, हमारे जैसे नायब सरपंच साहब हैं, ये भी अपने अपने लोगों को इसके बारे में अवेयर करें। इस स्कीम में जो है कि फार्मर का एक डेटाबेस कलेक्ट हो रहा है, इससे उनका हर जो हर फार्मर की जानकारी एक बनाई जा रही है कि उसके पास ज़मीन कितनी है, वो लगाना क्या चाहता है, ज़मीन अपनी है उसमें किसका इंटरेस्ट है, और वो क्या लगाता है, कितनी में जो फसल लगाता है, कितने किनार में लगाता है, फलदार वृक्ष कितने हैं, जानवर कितने हैं, भेड़ बकरियाँ कितनी, वो सारा इसकी जानकारी इसके एक डेटाबेस बन जाएगा। और उसी डेटाबेस पे गवर्नमेंट जो है कि देखेगी इस इलाके में लोगों की इतनी ज़मीन है, इतनी वो पढ़े लिखे हैं, इतना वो कर सकते हैं, इंटरेस्ट है, उसी बात हिसाब से हर बंदे को एक यहाँ पे जानकारी दी जाएगी और इसके बारे में इसको सुविधा दी जाएगी इसके बारे में हर एक बारे में। इंसान के लिए यहाँ प्रोग्राम रखा गया था चार दिन का, आप क्या कहेंगे? आज इंसान संपर्क अभियान के तहत आज यहाँ पर तीसरा दिन है। मैं समझता हूँ हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है। आज देखें ये जो प्रोग्राम चल रहा है किसान सरपंच अभियान के तहत, हर डिपार्टमेंट जो है लोगों के पास पहुंच रहा है। आज हमारे पंचायत घर अजोट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अदर डिपार्टमेंट जैसे हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, शीप एनिमल्स सभी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो आज एक मोदी जी का विजन है कि खुद जो अफसरान साहब जाएंगे लोगों के किसान के घर घर तक, ताकि उनको उनकी जितनी भी नीतियां हैं, हमारी जो प्राइम मिनिस्टर ने जितने भी जो सिस्टम बनाए जैसे गोल्डन कार्ड हो गया, आवा कार्ड हो गया, उसके साथ ई श्रम कार्ड हो गया, ऐसे ही किसान के साथ जो है आधार के साथ लिंक करना, ताकि उसके पास दो कनाल जमीन है उसी के हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगा, उसी के हिसाब से उसको सब्सिडी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही बड़ी जो है हमारे लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है, इस स्कीम का फायदा मिलने वाला है और लोगों को इसका बहुत ही बड़ा बेनिफिट होगा।